आपको किसी का इंतज़ार है, किसी को मैनिफेस्ट करते हो, किसी का प्यार चाहते हो अपनी ज़िंदगी में और जानना चाहते हो उसके दिल की बात। सो अगर आपके दिल में कोई है और आपको नहीं पता कि उसके दिल में आप हो या नहीं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। सर नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज व्हील ऑफ फॉर्चून 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो चलिए, देर किस बात की है, जानते हैं उनकी आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर के क्या चल रहा है। सो पहले हम कुछ लेंगे आपकी एनर्जीज़, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ को कनेक्ट करना ज़रूरी होता है। जान लेते हैं आपके मन में क्या चल रहा है। सो आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका नाम और इमेज अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। ये जनरल रीडिंग होती है, सभी के लिए होती है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल्स मत कीजिएगा, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। और ध्यान ये रखना है कि पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं, ये फ्री नहीं होती हैं। और अगर आप प्रिकॉशन लेना चाहते हैं, फ्रॉड से बचना चाहते हैं, सो प्लीज़ मेंशन नंबर पे ही व्हाट्सएप कीजिएगा। और हम किसी को भी ना तो कॉल करते हैं और ना ही हम किसी को कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, हमारी तरफ से कोई अप्रोच नहीं होता है। आप अप्रोच करते हैं तभी आपको रिप्लाईज आते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप ग्रुप ज्वाइन करके कभी भी अपनी रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। सो चलिए देखते हैं आपकी एनर्जीज़ क्या आ रही हैं। ऑल द डिवाइन एनर्जीज़, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूअर्स की लाइफ में, क्या चल रहा है व्यूअर्स के दिल में। सो चलिए फर्स्ट कार्ड, ओके, सो फर्स्ट कार्ड आया है इंटेंसिटी का कार्ड। सेकंड कार्ड देख लेते हैं, ओके, दो आ गए हैं। मोमेंट टू मोमेंट आया है एंड द बियॉन्ड इल्यूजन्स आ गया है। हीलिंग का कार्ड आया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या आ रहा है। एक्सपीरियंसिंग आया है, ओके, कॉम्प्रोमाइज़ आया है। सो इंटेंसिटी का कार्ड क्यों आया है डिवाइन, प्लीज़ बताइए इंटेंसिटी का कार्ड क्यों आया है। ओके, पोस्टपोनमेंट, मोमेंट टू मोमेंट क्यों आया है। रिसेप्टिविटी, बियॉन्ड इल्यूशंस क्यों आया है। ओके, स्लोइंग डाउन, हीलिंग का कार्ड क्यों आया है। आइसोलेशन, एक्सपीरियंसिंग क्यों आया है, चेंज, ओके वाओ। कॉम्प्रोमाइज़ क्यों आया है, सप्रेशन, ओके। सो देखिए क्या हो रहा है या क्या हुआ है आपकी लाइफ में। सबसे पहले तो वो समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है। सबसे पहली बात तो ये हम जान लेते हैं कि आपकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई मुझे दिखाई दे रही है। आपके प्यार की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है। आप जिसके बारे में भी सोच करके इस वीडियो को देख रहे हैं, उससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा उसके लिए अपनी केयर दिखाते हो, बहुत ज़्यादा उनको टाइम देना आपको पसंद है। इस रिलेशनशिप को लेकर के आप बहुत ज़्यादा पजेसिव रहते हो और जो भी प्रॉब्लम्स आपकी दोनों की ज़िंदगी में आती है, कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को टालने की कोशिश करते हो कि ठीक है, प्रॉब्लम्स तो सारी रिलेशनशिप्स में आती हैं, दिक्कतें तो सारी ही लव लाइफ में आती हैं, तो ठीक है अगर हमारी लाइफ में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो हम सॉल्व कर लेंगे मिल करके। तो इस तरीके का कुछ मुझे यहाँ पर आपका इस तरीके की एनर्जीज़ कुछ मुझे आपके यहाँ पे समझ में आ रही है। बट हुआ क्या है कि बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में कई बार ऐसा समय आया है जब आपको ये चीज़ समझ में आई है या ये आप एहसास कर पाए हो कि आपके पार्टनर जो हैं वो उतना आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं या उतना आपको नहीं समझ पा रहे हैं। पल पल आपको उनकी याद आती है और आप उनका प्यार रिसीव करते हो और अपना भी उनको कहीं ना कहीं सेंड करते रहते हो। अगर वो आपको देखते हैं पल पल, हर पल जब भी वो आपको देखते हैं, तो एक अट्रैक्शन आपको उनकी तरफ ज़रूर फील होता है और आप जानना चाहते हो कि दिल में क्या है, क्योंकि दिल की बात वो बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं बताते हैं। और आपको बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा सपने आते हैं, आपको ऐसा लगता है कि बस यही सब कुछ यही है मेरा, इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं है, ना ही मुझे किसी और की ज़रूरत है और ना ही मैं किसी और को इतना ज़्यादा प्यार कर पाऊँगी या कर पाऊँगा, ठीक है। सो आपकी लाइफ कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ या इनकी यादों में इतने ज़्यादा आप खो चुके हो कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है। जिस फास्ट पेस से आप दौड़ रहे थे, जो इंटेंसिटी आपकी पहले दिखाई दे रही थी, वो अभी इतनी नहीं दिखाई दे रही है, थोड़ी यहाँ पर स्लो डाउन आ गया है।
और जो हो सकता है अगर आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे हो, इनसे आप प्यार मांग रहे हो या इनका समय मांग रहे हो, वो उतना नहीं दे पा रहे हैं। और अगर आपकी लाइफ में आप ये सोच रहे हो कि आप सब कुछ दे रहे हो, आप सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, बट उसके बाद भी चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपको हीलिंग की ज़रूरत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सैड हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, कई बार रोना आता है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो इतने ज़्यादा दर्द झेल चुके हैं इस रिलेशनशिप में, परेशानियाँ झेल चुके हैं, जो शायद अब इतने स्ट्रांग हो चुके हो कि आपको अब शायद रोना भी नहीं आता होगा, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि हीलिंग आपकी या तो हो चुकी है या फिर अंडर हीलिंग प्रोसेसेस हो, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी वजह से भी अभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनते चले जा रहे हो। सो आपने बहुत ज़्यादा एक सप्रेशन वाला टाइम देखा है, दर्द दुख वाला टाइम देखा है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं इस रिलेशनशिप में। शायद आपने इतना ज़्यादा भरोसा कर लिया है इस पर्सन के ऊपर, या आप दिल ही दिल में इतना ज़्यादा प्यार करते रहे इससे कि सामने से आप उतना नहीं आपको पे बैक मिला है, या फिर सामने से इतना रिस्पॉन्स आपको नहीं आया है जितना आपको मिलना चाहिए था। सो आप कहीं ना कहीं अभी भी इनको ढूंढ रहे हो, है ना। और अपनी अपनी इमेजिनेशंस में आप उस प्यार को फील कर पाते हो, और जब भी आप इस इंसान को देख रहे हो, इस पर्सन को देख रहे हो, तो एक गिल्ट भी होता है, दुख भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कॉम्प्रोमाइज़ आपने अपनी लाइफ में किए हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ के चलते या वो तकलीफ़ों के चलते एक कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आ चुका है कि इतना प्यार किसी को दिया तो रिटर्न में ज़रूर एक प्यार मिलना चाहिए। सो अगर आप लोग रीयूनियन मैनिफेस्ट करें तो ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि जो अभी तक कॉम्प्रोमाइज़ या जो भी अभी तक आप अपनी लाइफ में फेस करते आ रहे हो, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है अपनी ज़िंदगी के अंदर, बहुत जल्द आपका समय मुझे यहाँ पे बदलता हुआ भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्योंकि आप भी बदलते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आप बदलते जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका समय भी बदल रहा है। हो सकता है पहले आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट रहे हो, बहुत ज़्यादा प्यार किसी को आपने किया है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको ये पता है कि उसकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या वो कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, स्टक है, कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में जिसके चलते चीज़ें बेटर नहीं हो पा रही हैं, या फिर वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो अब वो चेंजेस आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो वो एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, वो आप फील कर पा रहे हो बदलाव, और अगर नहीं भी कर रहे हो तो बहुत जल्द शॉर्टली ये चेंजेस आपकी लाइफ में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो अगर आप लोग किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और रीयूनियन अपनी लाइफ में चाहते हो, तो बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में रीयूनियन होता हुआ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस वक्त ये इंसान काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है, ठीक है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो और ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, जिसकी वजह से एक मैच नहीं बैठ रहा है आप दोनों के बीच में। जो एक प्यार और एक जो भरोसा होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ की आपको भी कमी लगती है कि उतना ये आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर जो भी ऑब्स्टिकल्स आप लोगों की ज़िंदगी में हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में हैं, वो चीज़ कहीं ना कहीं उनको रोक रही है आपकी तरफ बढ़ने से। बट हाँ, ये ज़रूर मुझे दिख रहा है, फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ज़रूर है, और आपकी तरफ अभी ये फोकस बनाने की कोशिश भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं क्या आ रही हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़। टू ऑफ स्वॉर्ड, देखिए, सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ऑलमोस्ट सारी राशि यहाँ पर आ चुकी हैं, पहले ही आ गई हैं, ओके। और देख लेते हैं, वाओ, देखिए एस ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है यहाँ पर। भले ही अभी काफ़ी ऑब्स्टिकल्स हैं, बंदिशें हैं, सिक्स ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्कटीन, वृश्चिक राशि, पेज ऑफ वॉन्ड, नाइस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड, लास्ट देख लेते हैं एट ऑफ पेंटिकल्स। सो देखिए, बहुत ज़्यादा इंतज़ार आपके पार्टनर कर रहे हैं, जैसे जैसे ये समय जा रहा है, वो समय ज़रूर अभी जो भी तकलीफ़ में या वेटिंग में जा रहा है, लेकिन आपके पार्टनर को ये इंतज़ार ज़रूर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि हर रात का सवेरा ज़रूर होता है, ठीक है। सो अभी जो भी काली रात आप लोगों की ज़िंदगी में चल रही है, या जो भी बुरा फेस आप लोग देख रहे हैं, सो डेफिनेटली जो भी मून के फेजेस रहे हैं, हर फेज़ एक बहुत खूबसूरत है। चांद जैसे जैसे अपनी
पोजीशंस को चेंज करता है या फिर अपनी शेप को चेंज करता है, हमें जब यहाँ से दिखाई देता है तो अलग अलग शेप्स में जो चाँद दिखता है, हर शेप उसकी बहुत सुंदर होती है, ठीक है, हर तरीके का चाँद बहुत ही प्यारा यहाँ से दिखाई देता है। उसी तरीके से आपकी लाइफ में जो भी कुछ घट रहा है या बढ़ रहा है, जो भी प्यार आपकी ज़िंदगी में बदलाव लेकर के आ रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और ये खूबसूरत समय, ये खूबसूरत पल आपको एहसास दिला रहा है, आपके पार्टनर को एहसास दिला रहा है कि आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो, ठीक है। आपके पार्टनर के दिल में आज बहुत ज़्यादा प्यार मुझे दिखाई दे रहा है, आपकी तरफ अट्रैक्शन उनका होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो पहले इतना हो सकता है, पहले इतना ज़्यादा आप दोनों के बीच में प्यार ना रहा हो, या फिर ये पहले आपके बारे में इतना ना सोचते हों, बट अभी बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप यहाँ पे फील कर पा रहे हैं। बट हाँ, कुछ ऑब्स्टिकल्स भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से कि कुछ परिस्थितियों में, कुछ सिचुएशंस में ये स्टक हैं, बंधे हुए हैं और चाहते तो हैं आगे बढ़ना लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं। सो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी स्टक ज़रूर हैं, लेकिन जो प्यार एक एहसास उनके दिल में आ रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ इनको अट्रैक्ट कर रहा है। आप इनको ज़रूर कहीं ना कहीं एक ऐसा एहसास दिलाते हो कि इनको ऐसा लगता है कि आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आप हो सकता है आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो, या फिर आपको सिंगिंग और किसी कोई सिंगिंग में या फिर डांसिंग में आपको बहुत ज़्यादा शौक़ हो सकता है, आप स्टेज परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे सकते हो, लाइमलाइट में रहना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आपके आसपास लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं एंड आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हो, आपका इस तरीके का एक ऑरा है कि लोगों को आप अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ। बट यहाँ पर देखो, आपके जो पार्टनर हैं वो आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, आप अपनी लाइफ में कहीं स्टक ना हो जाओ, तो आपको खुश देखना चाहते हैं, ठीक है। आपके आपका एहसास उनको पॉजिटिविटी देता है, राइट। सो हो सकता है इनके ऊपर कुछ इस तरीके की जिम्मेदारियां हो, या कुछ इनके ऊपर इस तरीके की इश्यूज हो, या प्रॉब्लम्स में हो, या लिमिटेशंस इनकी लाइफ में हो, जिसकी वजह से ये अभी वेट कर रहे हैं, ठीक है। सो कुछ आपकी तरफ इस तरीके से फीलिंग उनकी आ रही है कि उनको ऐसा लगता है कि आप अपने सारे सपने पूरे करो, जो भी आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हो वो डेफिनेटली आप कर पाओगे। ये बहुत ज़्यादा पैशनेट आपकी तरफ होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और आपकी तरफ मूवमेंट ज़रूर करना चाहते हैं, बट कुछ एक देखो एक अजीब सा खिंचाव इनको आपकी तरफ हो रहा है और आप इनको एक पॉजिटिविटी देते हो, ठीक है। आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू करने लगे हैं, आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे हैं, और शायद पहले अगर इतना नहीं फील कर पा रहे थे तो अभी मैं देख पा रही हूँ कि आपको एक परफेक्ट इंसान की तरह वो देखते हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करते हो इनको और मिस बहुत करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इंतज़ार है उनको सही समय का, वो चाहते हैं कि जिस तरीके से आपका प्यार आगे बढ़ा है या जिस तरीके से आपकी ज़िंदगी में ये रिलेशनशिप आगे बढ़ा है, बट थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर यहाँ पर करना पड़ रहा है। जिस भी सिचुएशन में ये स्टक हैं, जिस भी सिचुएशन में ये फंसे हुए हैं, बहुत जल्द आपके पास लौट करके यहाँ पर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो रीयूनियन ज़रूर मैनिफेस्ट कीजिएगा, क्योंकि आपके पार्टनर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और ये भी चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना और अपनी रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाना। सो इनके इमोशंस आज तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटेंस दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, ठीक है। इनके हाथ में डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी खुशियों का रिमोट आपने दे रखा है, राइट। सो ये जब भी आपके आसपास होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा खुश फील करते हो, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हो और आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में वापस लौट करके आएं। और ये भी जब आपकी लाइफ में आते हैं तो आपको एक पॉजिटिविटी देके जाते हैं, एक आप भले ही थोड़ी देर के लिए आएँ या फिर भले ही कुछ समय के लिए आएँ, बट आप चाहते हो कि ये जो एक बॉन्ड है, ये जो एक फ्रेंडशिप है या ये जो रिश्ता है, ये ज़िंदगी भर चलता रहे। जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उसको आप मिल करके फेस करना चाहते हो और नहीं चाहते हो इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको ज़रा से भी पॉजिटिविटी मिली हो तो शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। हो सकता है इस रीडिंग की ज़रूरत और किसी को हो। सो क्लेम ज़रूर कीजिएगा 111 बजरंग बली का, यूनिवर्स का, एंजल्स का थैंक यू करना नहीं भूलना है। अरे हाँ, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।